Hello students, I hope you all are well and good. So in the previous lecture we started the topic that is verb, जहाँ पे हमने कुछ बेसिक बातें verb के बारे में समझी थी. verb के different types होते हैं जिनमें हमने primary verb को complete भी किया था. आज हम आगे इस class को ही continue रखेंगे, verb के topic को ही continue रखेंगे. सीखते हैं, समझते हैं कुछ और नई बातें जो कि exam के perspective से काफ़ी important है. अगर हम बात करें वर्ब की तो आप देखेंगे वर्ब में हमने दो कैटेगरी पढ़ी थी. पहली कैटेगरी क्या है, हेल्पिंग वर्ब की. सेकंड कैटेगरी है हमारी मेन वर्ब की. और हेल्पिंग वर्ब की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी दो कैटेगरीज हैं इनकी. पहला है प्राइमरी वर्ब, जिसको हम कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ चुके हैं. बी को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, हैव को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, डू को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, ये हम कम्प्लीट कर चुके हैं. अगर हम बात करें मेन वर्ब में, मेन वर्ब में भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. बेस्ड ऑन एक्शन, इसे भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जहाँ पे हम स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब के बेस पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि वर्ब के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आज हम शुरू करेंगे मॉडल्स के बारे में, लेकिन इससे पहले कुछ और चीज़ें समझते. जैसे हमने देखा है वर्ब के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म. पहले इनका थोड़ा सा बेसिक समझते हैं और आप देखेंगे कि वर्ब की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती है ना, इन पे भी बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. तो आज हम पर्टिकुलर इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं. जैसे आप देखेंगे कि हमने बी के भी अलग अलग फॉर्म्स को पढ़ा है. बी है, बी की ही अलग फॉर्म में इज आर आता है. और आप देखेंगे वर्ब की अगर हम सेकेंड फॉर्म की बात करें बी की, तो यहाँ पे या तो वाज होगा या तो वर. और थर्ड फॉर्म में बीन हो जाता है, फोर्थ फॉर्म में आई एन जी लग जाता है, और फिफ्थ फॉर्म में इज हो जाता है, बी की ही फिफ्थ फॉर्म. ठीक है, इसी तरह हैव की, डू की, आपने ये सारे हम पहले भी पढ़ चुके हैं. डन, ऐसे जैसे यहाँ पर आप देखेंगे डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, डन. ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि जो वर्ब है उसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं. यहाँ पर आप देखेंगे टोटल हमारे पास पांच फॉर्म्स होती हैं जिनको हम पढ़ते हैं. छोटी क्लासेस के हिसाब से बात करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म था कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पढ़ते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा इनका कॉन्सेप्ट समझते हैं. जब हम बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हर एक टेंस के हिसाब से वर्ब का लेना देना बहुत ज़्यादा ही क्या है, कनेक्टेड है. आपने देखा है कि जब हम बात करते हैं सिंपल टेंस की, तो वहाँ पर हमने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है. जब हम बात करते हैं पास्ट फॉर्म की, तो वहाँ पर हम देखते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है. ठीक है, तो इस तरीके से जो वर्ब के अलग अलग फॉर्म है ना, ये अलग अलग टेंस को भी डिनोट करती है. अगर हम बात करें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप देखेंगे ये सबसे बेस फॉर्म होती है. और अगर हम बात करते हैं बेस फॉर्म की, ये यूज़ कहाँ होता है, तो प्रेजेंट का सेंस देता है ये. या आप कह सकते हैं प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाता है, लेकिन प्लुरल के साथ. ठीक है, जैसे कि हमने बोला गो या बोला राइट, दोनों ही क्या है, वर्ब है. गो मतलब जाना, राइट मतलब लिखना. और दोनों ही क्या है, यहाँ पर हमारे पास प्लुरल फॉर्म में. अब जैसे हम जानते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके, एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाती हूँ. हम जानते हैं जब हम बात करते हैं पर्संस की, यानी कि हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, जब सब्जेक्ट के साथ हम एस या ई एस अटैच कर देते हैं, तो वो किस में चेंज होता है, प्लुरल में. लेकिन वर्ब के केस में अपोजिट होता है. वर्ब के केस में अगर आपने एस या ई एस अटैच किया, तो फिर ये क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है. ठीक है, और आप देखेंगे गो और राइट के साथ हमने कुछ भी अटैच नहीं किया, दैट मीन्स ये किस फॉर्म में है, प्लुरल फॉर्म में है. आई होप कि चीज़ें याद हुई होंगी. वर्ब की सेकेंड फॉर्म की बात करें, तो इसे आप जानते हैं सिंपल पास्ट, या बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनाइट में हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, इसके बारे में कोई भी डाउट नहीं होगा आपको. वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की बात करें, ये भी बेस फॉर्म है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो ये प्लुरल सेंस देता है, और जबकि हम बात करते हैं फिफ्थ फॉर्म की, ये सिंगुलर सेंस देता है. यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आप अटैच कर देते हैं, तो ये सिंगुलर हो जाता है, और इसे ही हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, आई होप कि इसमें किसी को भी डाउट नहीं होगा. ये बहुत बेसिक बात है, आई होप सबको ही ये बात पता होगी, और इसमें कुछ भी कंफ्यूजिंग भी नहीं है. लेकिन जब हम बात करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म की और फोर्थ फॉर्म की, आप देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, जबकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं. बात करें अगर इसमें यूज़ में, तो आप देखेंगे डिफरेंस क्या होता है इनके यूजेस में. एक सेकेंड, अगर हम बात करें पास्ट पार्टिसिपल की, तो आप देखेंगे इसमें क्या होता है, ईडी, वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम बोलते हैं. ज़्यादातर केसेस में ईडी यूज़ किया जाता है, या फिर कोई तीसरा वर्ड भी आ जाता है. तो ज़्यादातर केसेस में आप जो देखेंगे, हम क्या करते हैं, वर्ड के साथ ईडी अटैच कर देते हैं, और ये हमें किस चीज़ का सेंस देने लग जाता है, पास्ट पार्टिसिपल का. अभी समझेंगे पार्टिसिपल का मतलब भी क्या होता है.
अगर हम बात करें वर्ब की फोर्थ फॉर्म की, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल रहे हैं, इसमें आप देखेंगे क्या होता है, सिर्फ आईएनजी अटैच होता है और कुछ नहीं। जैसे कि यहाँ पे गो है, तो गो के साथ अगर मैं आईएनजी लगा दूँ, गोइंग हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा राइटिंग। ठीक है, ईडी लगा दोगे तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म में जाओगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा गॉन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रिटर्न। ठीक है, सेकंड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा रूट। और फिफ्थ फॉर्म की बात कर दे तो इसी को हम सिंगुलर में लिख लेंगे, तो गो का सिंगुलर क्या हो जाता है गोज, और राइट का क्या हो जाएगा राइट। ठीक है, तो ये अलग अलग फॉर्म्स है। अब बात करते हैं यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म में, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग है, बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म में आपने देखा कि यहाँ पर ईडी अटैच किया जाता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आईएनजी अटैच करते हैं वर्ड्स के साथ। ठीक है, लेकिन हम इसे पार्टिसिपल क्यों कह रहे हैं, तो वर्ब की फॉर्म है, पार्टिसिपल्स इसलिए कहा जा रहा है जब भी हम बात करते हैं किसी भी वर्ब की, जब वर्ब सेंटेंस के अंदर वर्ब का काम ना करके हम कह सकते हैं एडजेक्टिव का काम करने लग जाता है, तो उसे ही हम क्या बोल देते हैं, पार्टिसिपल्स बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हम बात कर रहे हैं ना वर्ब की थर्ड फॉर्म, कई जगह पे वर्ब की तरह यूज़ होता है, कई जगह पे आप देखेंगे कि ये सिर्फ एडजेक्टिव का काम करता है, और जब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये क्या है, पार्टिसिपल है। ठीक है, तो समझते हैं इसी चीज़ को, जैसे कुछ एग्जांपल के फॉर्म में, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट वाला जो हमें सेंटेंस गिवन है, यहाँ पे गिवन है द बोर्ड चाइल्ड वेंट आउट फॉर अ वॉक। अब ये जो बोर्ड लिखा हुआ है आप देखेंगे कि ये क्या है, अगर देखने में अगर हम देखें तो ये क्या है, वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म नज़र आ रही है, ईडी लगा हुआ है, या आप सेकेंड फॉर्म भी बोल सकते हैं, वहाँ पर भी ईडी लगता है, पर फिर भी समझ में आ रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें समझ में आ रहा है, पर आप देखेंगे कि ये जो बोर्ड चाइल्ड लिखा हुआ है, चाइल्ड क्या है, नाउन है, तो ये यहाँ पे क्या वर्ब का काम कर रहा है, नहीं, ये यहाँ पे वर्ब का काम ही नहीं कर रहा। नाउन से पहले जो वर्ड आता है आप जानते हैं वो नाउन को ही डिफाइन करने के लिए आता है, दैट मीन्स ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो इसे फिर ये क्या, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, ये क्या है, पार्टिसिपल्स है। ठीक है, अब ये दोनों केस में हो सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी आपको मिल रहा है तो ये भी, और अगर हम बात करें वर्ब की थर्ड फॉर्म की, तो ये दोनों ही क्या करते हैं, एडजेक्टिव का काम भी कर सकते हैं, और जब ये एडजेक्टिव का काम करते हैं तो ही हम इन्हें प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी अच्छे से। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये यूज़ हुई थी और काम क्या कर रहा था, एडजेक्टिव का ही काम कर रहा था, क्योंकि नाउन को ही क्वालिफाई करने का काम ये यहाँ पर कर रहा था। ठीक है, इसी तरह सेकंड वाले एग्जांपल में अगर हम आएँ तो यहाँ पे देखेंगे ही वॉज अ पुअर बोरिंग पर्सन, सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, वॉज अ वेरी बोरिंग पर्सन। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो पर्सन है ये भी क्या है, नाउन है, और नाउन है, और नाउन को ही डिफाइन करने के लिए यहाँ पे कैसा पर्सन है, बोरिंग, तो ये विशेषता ही बता रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर भी क्या है, एडजेक्टिव की तरह इसे यूज़ किया गया है। तो आई होप कि दोनों तरीके से यूज़ आपने देखा, जब आप देखेंगे सब्जेक्ट के साथ ही ये यूज़ किया गया है यहाँ पर। ठीक है, सब्जेक्ट को और डिफाइन करने के लिए इसको यूज़ किया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए किया गया है। ठीक है, इसी तरह थर्ड वाले एग्जांपल में देखेंगे तो यहाँ पे हमें गिवन है इट वाज इंटरेस्टिंग न्यूज़। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी है, क्या ये जो इंटरेस्ट लिखा हुआ है या इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, क्या ये यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, नहीं, ये यहाँ पे क्या है, न्यूज़ को ही डिफाइन करने का काम कर रहा है कि न्यूज़ कैसी है, इंटरेस्टिंग है, और न्यूज़ क्या है, यहाँ पर नाउन है। ठीक है, तो नाउन को डिफाइन कौन करता है, एडजेक्टिव, दैट मीन्स ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पे वाज की तो आप देखेंगे वाज यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट वाले में देखेंगे यहाँ पे क्या गिवन है, इंटरेस्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है,
द इंटरेस्टेड स्टूडेंट मे सबमिट देयर नेम। अब यहाँ पर भी ये जो इंटरेस्टेड यूज़ किया गया, क्या किसी वर्ब की तरह यूज़ किया गया? नहीं, यहाँ पर ये जो इंटरेस्टेड यूज़ किया गया है ये स्टूडेंट्स के लिए किया गया है। दैट मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? स्टूडेंट्स है। और ये क्या है? सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। दैट मीन्स ये यहाँ पे क्या है? नाउन है। और इसी नाउन के लिए ही क्या यूज़ किया गया है? इंटरेस्टेड यूज़ किया गया है। दैट मीन्स उसको डिफाइन करने के लिए कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अपना नेम क्या कर सकते हैं? सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको इनके यूजेस से इनके डिफरेंस यहाँ पे समझ में आए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी भी क्या करती है? एडजेक्टिव का काम कर सकती है। इसी तरीके से वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है ना वो भी कई बार क्या करती है? एडजेक्टिव का काम करती है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब ये वर्ब का काम। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे गिवन है द एक्सपीरियंस एक्साइटेड मी। आप देखेंगे एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। और ये जो मी है ये यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। और ये जो एक्साइटेड है क्या ये यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है? नहीं, ये इस एक्सपीरियंस को ही क्या कर रहा है? और ज़्यादा डिफाइन करने का काम कर रहा है या क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट है तो दैट मीन्स ये नाउन है। और नाउन प्रोनाउन को जो चीज़ क्वालिफाई करती है उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। दैट मीन्स यहाँ पे जो एक्साइटेड है ये क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ना कि वर्ब का काम कर रहा है। और आप देखेंगे ईडी लगा हुआ है, दैट मीन्स ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा? तो ये पास्ट पार्टिसिपल्स हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वाले में आप देखेंगे आई वॉज एक्साइटेड, तो क्या यहाँ कोई एक्शन हो रहा है? नहीं, ये जो एक्साइटेड यूज़ किया गया है किसको ये क्वालिफाई कर रहा है? तो ये आई को ही क्वालिफाई कर रहा है। और आप देखेंगे यहाँ पे वाज यूज़ किया गया है, वर्ब, हालांकि ये वर्ब है पर ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है? ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं द एक्सपीरियंस वॉज एक्साइटिंग। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे द एक्सपीरियंस वॉज एक्साइटिंग, यहाँ पर क्या हमें वर्ब मिल चुकी है? एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत एक्साइटिंग था। ठीक है, इसी तरह जैसे सेवन्थ वाले में आप अगर आप देखेंगे यहाँ पर दैट वॉज एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत एक्साइटिंग था। तो क्या यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है? नहीं, यहाँ भी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। ये जो एक्साइटिंग हमें गिवन है ये हमें क्या बता रहा है? कि ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। ये एक्सपीरियंस को ही क्या कर रहा है? क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। ठीक है, आई होप कि समझ में आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये हमने एक ही वर्ड को, एक ही चीज़ को देखोगे आप अलग अलग फॉर्म में लिख के दिखाया, लेकिन हर जगह पे ये जो एक्साइटिंग है ये किसका काम कर रहा है? सिर्फ ये क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। और किसको क्वालिफाई किया जा रहा है? तो जो हमारा सब्जेक्ट है ये आप कह सकते हैं नाउन प्रोनाउन, उसी को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। और जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो ये यहाँ पे एक्साइटिंग जो है वर्ब ना बनके किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। तो आई होप कुछ एग्जाम्पल्स से आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब होते हुए भी कई बार वर्ब का काम ना करके एडजेक्टिव का काम करते हैं। ठीक है, और जब ये